हे वेलकम बैक आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली मेरे प्यारे बच्चे स्पोकन का सीरीज दे रहा हूँ एक सीरीज आपने पहले देखा होगा ए पार्ट टू है उसका अब पार्ट टू की बात करें स्पोकन करने के लिए स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है और स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या कहा था अब बहुत हो गया अब अंग्रेजी बोल करके के छोड़ेंगे बहुत हो चुका तो क्यों ना ऐसा क्या करें कि धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना आ जाए और उस धीरे धीरे के लिए क्या करना है आपको कि मैं एक एक करके आपको जो दे रहा हूँ बस सीखते चलो और मेरे साथ तेजी के साथ प्रैक्टिस करते चलो अंग्रेजी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा आइए देखते हैं मेरे साथ यहां पे कर करके कर कि सब्जेक्ट प्लस और टू प्लस भी वन प्लस अदरब अब प्रश्न उठता है कि और टू के साथ अंग्रेजी कैसे बोले और टू के साथ कैसे बोलना अंग्रेजी तो हमने कहा कि और टू और शुड ध्यान दें मेरी बातों पर ध्यान देना अंग्रेजी आसान हो जाएगा टू और, और शुड में कोई अंतर नहीं है आप टू लगाओ चाहे शुड लगाओ कोई अंतर नहीं है बस अंतर इतना सा है कि शुड का प्रयोग हम लोग कहीं भी कर देते हैं जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए यू शुड रीड तुम्हें वहाँ जाना चाहिए यू शुड गो देयर तुम्हें आना चाहिए यू शुड कम एयर मुझे पढ़ना चाहिए आई शुड रूड तुम्हें खेलना चाहिए यू शुड प्ले तो जहाँ भी यू शुड प्ले यू शुड रीड यू शुड गो यू शुड है ना तो आप शुड का प्रयोग कर देते हो लेकिन इस ऑट टू का प्रयोग हम कहाँ करें यह इंपॉर्टेंट है तो ऑट टू का प्रयोग करना जब आप किसी को मोरल सलाह देते हो नैतिकता सलाह नैतिक हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए बोलो नैतिकता है कि नहीं कोई कंपलसरी है क्या क्या किसको सलाह दे रहे हो क्या नहीं ना माता पिता की सेवा करनी चाहिए गुरु का सम्मान करना चाहिए शिक्षक का सम्मान करना चाहिए माता पिता का पैर दबाना चाहिए माता पिता की बात माननी चाहिए शिक्षक की बात माननी चाहिए तो ये सब क्या है बेटा मोरल है देश को प्यार करना चाहिए क्या ये मोरल है तो जहाँ पे हम किसी की नैतिकता की बात करेंगे मोरलिटी की बात करेंगे तो वहां पे हम इसका प्रयोग करेंगे किसका ऑटू का ये ज्यादा अच्छा है अब मैं शूट करूंगा तो तो करो ना शूट करो कोई बात नहीं और करो कोई बात नहीं लेकिन ज्यादा अच्छा कौन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा ऑटू का प्रयोग करना आप शूट का प्रयोग करने से बचे किस हाल में जब किसी की बात हम करें मोरल की बात करें तुम्हें पढ़ना चाहिए यू शुड रीड यू ऑट टू रीड भी हो सकता है लेकिन ज्यादा अच्छा होगा यू स्टूडेंट लेकिन नैतिकता की बात करें तुम्हें माता पिता की बात माननी चाहिए यू ऑट टू ओवे योर पेरेंट्स तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए हमें अगर तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए यू ऑट टू देखो यू ऑट टू रिस्पेक्ट सम्मान रिस्पेक्ट योर टीचर यू आर टू रिस्पेक्ट योर टीचर यू आर टू ओवे योर पेरेंट्स यू आर टू ओवे योर टीचर तो जितना मन करे ना उतना से बोलो तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए यू आर टू ओवे योर टीचर तुम्हें माता पिता की बात माननी चाहिए यू आट टू ओवे योर पेरेंट्स यू आर टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स यू आर टू रिस्पेक्ट योर टीचर अब एक बात बताओ यहाँ पे अगर मैं जोड़ दूँ कि तुम्हें माता पिता की बात माननी चाहिए थी तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए था था जोड़ दिया और थी जोड़ दिया था जोड़ दिया अब प्रश्न उठता है कि कुछ नहीं करना सब कुछ सेम रहेगा यहां पे और टू के साथ हम हैव जोड़ दें यू हैव टू हैव अब यहां पे v1 नहीं होगा इस v1 को v3 कर दें राइट तो क्या बन गया यू हैव टू हैव v3 प्लस अदर वर्ड तो हिंदी निकल जाएगा चाहिए था मोरल एडवाइस तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी यू ऑट टू हैव ओवेट यू ऑट टू हैव ओवे में जोड़ दो ओवेड देखो कितना मजा आ रहा है यू ऑर टू हैव ओवेड योर पेरेंट्स बोलो ना बैठे कल हम कॉपी निकालो पढ़ना शुरू कर दो यू ऑर टू हैव ओवेड योर पेरेंट्स यू ऑर्ट टू हैव रिस्पेक्टेड योर पेरेंट्स यू ऑर्ट टू हैव योर कंट्री यू ऑर्ट टू हैव गेटिंग माई पॉइंट तुमने क्या कहा तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए था यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड योर टीचर यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड योर टीचर अब समझ मारा है कुछ नहीं किया प्रेजेंट को पास्ट कर दिया थी लगा दिया तो पास्ट का सेंस हो गया तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए था यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड टीचर तुम्हें अपने माता पिता माता पिता की बात माननी चाहिए थी यू ऑट टू हैव ओवेड योर पेरेंट्स ओवे मतलब बात मानना यू ऑट टू हैव ओवेड योर पेरेंट्स यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड योर टीचर बोलना बोलना आय नहीं आया अब हम लोग देते हैं अगला कॉन्सेप्ट देखो अब अगला क्या कह रहा है आखिर हमें बोला कि मुझे अब अवश्य जाना चाहिए अब शुड और मस्ट में अंतर क्या है और, और मस्ट में अंतर क्या क्या है? मस्ट का प्रयोग क्या कर सकते हैं? हमने कहा मुझे पढ़ना चाहिए। तो मुझे पढ़ना चाहिए आई शुड इट अगर मैं बोल दूं आई मस्ट इट तब क्या होगा तो आई मस्ट इट तो मस्ट का प्रयोग आप कर सकते हो लेकिन इसको आप थोड़ा सा जरूरी के अर्थ में कर दो जरूरी के अर्थ में पास में रहो तो जरूरी के अर्थ का मतलब क्या हो भाई तो जरूरी का अर्थ का मतलब हुआ कि जैसे जो चीज़ जरूरी के अर्थ में हो जैसे कोई चीज़ अर्जेंटली हो जैसे तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए तुम्हें पढ़ना चाहिए यू शुड इट तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए यू मस्ट इट अर्ग पॉइंट तो मस्ट का मतलब होता है बच्चे कि जहां पे अर्जेंट सलाह जैसे किसी को तुम सलाह दे रहे हो यार तुम्हें वहां जाना चाहिए यू शुड गो देयर यार तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए यू मस्ट गो देयर अब यहां पे देखना ध्यान देना है कि मुझे अब अवश्य जाना चाहिए तो मुझे अब अवश्य अवश्य अगर नहीं भी दिया रहे सिंपल रहे मुझे अब जाना चाहिए और अवश्य उसमें छुपा हुआ है क्योंकि अगर अवश्य बोले चाहे ना बोले चूंकि ऐसा थोड़े है कि हर अंग्रेजी में हम हिंदी बोलते हैं आपके अंदर का सेंस डेवलप करता है अगर आप अंदर से इनर सेंस डेवलप करके अगर आप बोल रहे हो कि मुझे जाना चाहिए मुझे जरूर जाना चाहिए तो जहां पे जाना चाहिए और जरूर जाना चाहिए तो पे जरूर अर्थ हो जाए ना तो वहां पे आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हो तो मुझे अब अवश्य जाना चाहिए आई मस्ट गो नाउ आई मस्ट गो नाओ तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मुझे अब आव, अवश्य होना चाहिए आई मस्ट गो now हमने कहा तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए तुम्हें अवश्य अंग्लिजी बोलना चाहिए अगर अवश्य नहीं भी हो और आपका सेंस जरूरी का अर्थ है तो आप मस्ट लगा सकते हैं तो यू मस्ट स्पीक इंग्लिश यू मस्ट स्पीक इंग्लिश यू मस्ट स्पीक इंग्लिश का प्रयोग आप कर सकते हो हमें तुरंत निकलना चाहिए यहाँ पर हमने अवश्य नहीं लिखा अवश्य चाहें तो लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखा हमें अवश्य तुरंत निकलना चाहिए हमने बोला वी मस्ट लिव इमीडिएटली वी मस्ट लिव इमीडिएटली हमें उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए अवश्य नहीं हो तो भी चलेगा लेकिन अवश्य मस्त छुपा होना चाहिए तो हमने कहा वी मस्ट हेल्प देम अब एक बात बताओ अगर मैं यहाँ पे अवश्य जाना चाहिए के साथ सबके साथ था जोड़ दूँ थी जोड़ दूँ मुझे अब अवश्य जाना चाहिए था तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए था हमें तुरंत निकलना चाहिए था हमें उनके पास मदद करनी चाहिए थी अब सब में हमने था थे थी जोड़ दिया अब यहां इसका मतलब क्या होगा तो आप खुद बताओ कि ये सेंस पास्ट का सेंस हुआ कि नहीं हुआ अबस नहीं हो मुझे अब जाना चाहिए था मुझे जाना चाहिए था अब को हटा दो अब चूँकि प्रेजेंट को शो करता है तो मुझे अबस जाना चाहिए था तुम्हें अबस मुझे बोलना चाहिए था हमें तुरंत निकलना चाहिए था हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी अब बताओ यहाँ पे नाव हटा दो तो अब हमने कहा अब स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम होगा तो जब भी मॉडल्स का सी दुनिया का कोई मॉडल्स हो मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं दुनिया का कोई मॉडल्स हो अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो उस मॉडल्स के साथ हमेशा भीवन लगाना लेकिन अगर पास्ट की बात करें तो मॉडल्स प्लस हैव मॉडल्स प्लस हैव प्लस भीती लगाना ध्यान रखना मॉडल्स के साथ प्रयोग होता है वन है ना बोल तुम जाओगे। should go, जाना चाहिए। Must go, जाना चाहिए। है ना कैन गो जा सकते हो मे गो जा सकते हो तो आप कुड गो माइट गो सेट गो कुछ भी कर सकते हो कुट गो शुड गो कुड गो माइट पॉइंट और यहीं पर अगर मैं कर दूँ मॉडल्स प्लस हैव प्लस बिथरी तो ये मोड हैव जो है ना ये भीवन का काम कर रहा है मॉडल्स की एक मजबूरी है ऑलवेज अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म भीवन लेता है ये ऑलवेज दिमाग में याद रखना तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस बिथ्री जस्ट शुड हैव गॉन मस्ट हैव हैन विल हैव गॉन कूड हैव गॉन समझ पा रहे सब लोग तो इस तरह से आपको पढ़ना है बोलना है तब ना अंग्रेजी आसान होगा रट्टा नहीं मारना है पे काम करना है तो हमने कहा मुझे अवश्य था आई मस्ट यहाँ पे जोड़ देंगे हम स्ट्रक्चर में हैव और इस वी वन को कर देंगे वी थ्री तो पता है क्या होता है इससे तुम्हारा एक सेंस और निकलता है किसका पॉसिबिलिटी का संभावना का चुपके से सीख लो ये संभावना को सेंस करेगा जैसे वह अवश्य चला गया होगा यार वह अवश्य चला गया होगा ही मस्ट हैव गॉन यार ही मस्ट हैव गॉन वह अवश्य चला गया होगा सीख पा रहे हो तो इसका बहुत यूज ना है आपको एक एक कर सिखा रहा हूं ना सीरीज आप चाहते हो अंग्रेजी बढ़िया सीखना दिल्ली आ जाओ ना दिल्ली दूर नहीं आप अब क्रांतिकारी छेड़ दिया पूरे देश में क्रांति फैल रहा है दिल्ली आके पढ़ो बिल्कुल फेस टू फेस तब सीखोगे आप मुझे अवश्य जाना चाहिए था आई 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 मस्ट 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 हैव 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 मुझे अवश्य आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो ना रट्टो मत एक एक चीज दे रहा हूं स्ट्रक्चर दे रहा हूं जड़ दे रहा हूं हजार से बोलो मुझे अवश्य जाना चाहिए था आई तो मस्ट हैव गॉन तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए था यू मस्ट हैव स्पीक का क्या हो जाए बेटा स्पोकन इंग्लिश यू मस्ट हैव है इंग्लिश और अंग्रेजी आपको यू मस्ट है स्पोकन इंग्लिश तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए था है ना तुम्हें तो हमें तुरंत निकलना चाहिए था वी मस्ट लिव इमीडिएटली तो वी मस्ट हैव लिव का क्या हो जाए बेटा लेफ्ट इमीडिएटली वी मस्ट हैफ्ट इमीडिएटली हमें उनकी मदबर से करनी चाहिए थी वी मस्ट हैव हेल्पड देख रहे हो हेल्पड और देता हूं हेल्प देम अब मेरे साथ बोलो जल्दी से तुम बोलो अंग्रेजी मुझे अवश्य जहाँ चाहिए था आई मस्ट हैव गॉन फिर से मुझे अवश्य जाना चाहिए था आई मस्ट हैव गॉन तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए था यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश हमें तुरंत गलना चाहिए था वी मस्ट हैव लेफ्ट इमीडिएटली हमें उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए थी वी मस्ट हैव हेल्प तो इस तरह से आपका अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा बस एक बार मेरे साथ चलने की देर है। मैं धीरे धीरे आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ और धीरे धीरे पाने का प्रयास कर रहा हूँ अब दिल्ली दूर नहीं है मेरे बच्चे बस बढ़िया से कलम को उठाओ धीरे धीरे सारे स्ट्रक्चर दूंगा अब देखो हमने मत से एक और बनाया स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट लिया मस्ट भी लिया वी फोर लिया हालांकि मस्ट भी के साथ चाहो तो आप नाउन का प्रयोग भी कर सकते हो एक एक्स्ट्रा रूल हो जाएगा तो हमने फिलहाल वी फोर लिया है आपको समझाने के लिए यहाँ पे करना क्या है मैं चाह रहा हूँ आपको विद्वान बना देना लेकिन आप चाहोगे तब ना मैं चाह रहा हूँ आपको सिखा देना लेकिन आप चाहोगे तब ना तो आपको भी तो चाहना पड़ेगा हम यहाँ चिल्ला रहे हैं और आप हम से मुस्कुरा रहे हो आपको मुस्कुरा नहीं है कॉपी कलम निकाल के लिखना है तब ना अंग्रेजी आएगा दोनों मिल मैं चाहूं आप चाहे क्रांति फैल जाएगा आप इसको पूरे भारत में हर बच्चों के साथ शेयर करो ना तब ने पूरा भारत महान बनेगा अवश्य अंग्रेजी बोल रहा होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस भी फोर मस्ट बी बी मतलब भीवन हो गया ये भीवन है कम्पल मस्ट एक मॉडल्स है इसके साथ भीवन आता ही आता है तो बी हो गया इसके साथ नाउन भी लगा सकते हो भी भी लगा सकते हो जैसे मैंने कहा ही मस्ट ही मस्ट बी अ डॉक्टर ही मस्ट बी अ नर्स ही मस्ट बी अ स्टूडेंट वर्क नहीं हुआ ही मस्ट बी अस्टूडेंट यू मस्ट बी अ स्टूडेंट यू मस्ट बी अ डॉक्टर ही मस्ट बी एन इंजीनियर ही मस्ट बी अ टीचर ही मस्ट बी अ स्टूडेंट ही मस्ट बी अस्ट बी अ गर्ल सी मस्ट बी अ नर्स सी मस्ट बी अ टीचर सी मस्ट बी अ कुछ बी वट एवर कम्स यूर माइंड अब यहां पर हमने लिया क्या है बीफोर सब्जेक्ट प्लस मस्ट भी फोर वह अवश्य अंग्रेजी बोल रहा होगा ही मस्ट बी स्पीकिंग इंग्लिश कंटिन्यूस की बात कर रहा है ये रहा रही का सेंस दे रहा है वह अवश्य अंग्रेजी बोल रहा होगा ही मस्ट बी स्पीकिंग इंग्लिश वह अवश्य झूठ बोल रहा होगा ही मस्ट बी टेलिंग ए लाई वह अवश्य खेल रहा होगा ही मस्ट बी प्लेइंग एक मेरे साथ बोलो फटाफट जल्दी से हमने कहा वह अवश्य अंग्रेजी बोल रहा होगा ही मस्ट बी स्पीकिंग इंग्लिश वह अवश्य झूठ बोल रहा होगा ही मस्ट बी टेलिंग अल आई वह अवश्य खेल रहा होगा ही मस्ट बी प्लेइंग अब बताओ कि ऐसे अगर बोलोगे बोलना नहीं आया क्या आप कमेंट करते ही नहीं हो आप कमेंट करो और मुझे पता चले लाइक से कि आप कितने पसंद करो मुझे तो जितना ज्यादा हो सकता है आप देखो अब दिल्ली दूर नहीं है एक बार जम के लगना मेरे दोस्त और जम के लगो क्रांति फैल जाएगा मैं सिखा के छोड़ूंगा बहुत हो गया अंग्रेजी अब बुलवा के छोड़ूंगा बहुत हो गया